हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा, आपके मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज हम नोकिया की तरफ से एक नया लैपटॉप निकल के आया, उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे कि उसके अंदर आपको क्या अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, कहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर कमी है, आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी बातों को डिटेल में आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले भी एक निकल चुका है दिसंबर के अंदर ही, एक नया इसका जो लैपटॉप आया था नोकिया की तरफ से, उसका नाम था नोकिया प्योरबुक X14। उसी का एक ये अपग्रेड वर्जन निकल के आया, उसका ही सक्सेसर निकल के आया है ये नोकिया प्योरबुक S14। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स निकल के आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे इसका अगर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वो भी IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो देखो, IPS डिस्प्ले है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपको कलर है वो इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो IPS है, आपको वैसे देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मान लो एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर आपको ज़्यादा, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा कलर के गैमेट होते हैं, वो आपको उस रेंज देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए तो आपकी जो डिस्प्ले है वो कम से कम 2K या 4K यहाँ तक तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है IPS डिस्प्ले के अंदर, वो आपको 1080 देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए परचेज करते हो, मान लो आपकी हल्की फुल्की एडिटिंग है, ज़्यादा आपको कलर ग्रेडिंग का काम नहीं है, तो वहाँ पे ये जो डिस्प्ले आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, वहाँ पे ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे डिस्प्ले के बारे में बात कर लिया तो एक बार इसकी डिज़ाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं, कितना वेट वगैरह है। तो इसके अंदर आपको 1.4 kg का जो है वेट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम सिंपल लुक देखने को मिलता है, मतलब एक ऑफिस लुक आपको देखने को मिलता है। मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा है, थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना इसका जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के आपने लैपटॉप देखे होंगे कितने पतले पतले निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को इसका जो साइज़ है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बाकी वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। 1.4 kg का इसके अंदर आपको वेट देखने को मिल जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलता है। देखो, मेन जो चीज़ है वो प्रोसेसिंग ही है, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए कौन सा प्रोसेसर यूज़ करा गया है। तो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इंटेल की तरफ से आपको देखने को मिलता है कोर i5 का जो जनरेशन है, 11th जनरेशन आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रोसेसर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कोर i5 की तरफ से 11th जनरेशन देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर एडिटिंग वगैरह करते हैं या फिर डे टू डे लाइफ में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये निकाल के देगा। और देखो, नोकिया है, आप धीरे धीरे ऐसे कह रहे हैं कि नोकिया लैपटॉप के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और देखो, नोकिया आपको पता है कि कितना वेल इस्टेब्लिश ब्रांड था किसी टाइम पे, आपने सभी ने इनके फ़ोन ज़रूर एक बार यूज़ करे होंगे, आपके फादर वगैरह इन्होंने इसके फ़ोन ज़रूर यूज़ करे होंगे, कि नोकिया एक बहुत तगड़ा ब्रांड था। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में इसकी मार्केट एकदम से ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब ये नोकिया दोबारा इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो उसके लिए देखो, इसने लैपटॉप निकाला है, मैंने इसके डिस्प्ले के बारे में बता दिया आपको, 14 इंच की डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, 1.4 kg का आपको इसके अंदर वेट देखने को मिलता है। इसके प्रोसेसर आपको कोर i5 की तरफ से देखने को मिलता है, 11th जनरेशन। इसके अंदर ग्राफिक्स की बात करें तो आयरिस की तरफ से XC का ग्राफिक्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप ठीक ठाक गेमिंग वगैरह, मतलब ठीक ठाक आप प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हो। इतना ज़्यादा हाई एंड भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हो, इतना कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको 8 GB की रैम और 16 GB की रैम का दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, साथ में आपको 512 GB की NVMe SSD का आपको इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब इसके पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पोर्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। एक आपको पोर्ट देखने को मिलता है Type-C का, एक आपको पोर्ट देखने को मिलता है Type-A का, और एक आपको HDMI का पोर्ट देखने को मिलता है। 0.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी ठीक बात है। और बाकी इसके अंदर और भी आपको पोर्ट्स कोई देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह की हमने बात कर ली है, तो मतलब जैसे कि इसके स्पीकर है, जो इसके इनबिल्ट स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी लाउड आवाज़ आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से भी आपको इतनी ज़्यादा शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके थोड़े से जैसे और फीचर्स वगैरह उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको वेबकैम सिक्योरिटी का फीचर देखने को मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मान लो कि जैसे आपका लैपटॉप है, आप उसको यूज़ कर रहे हो अगर उसका वेबकैम, तो ठीक है, उसको आप ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के मामले में, मान लो अगर आपको थोड़ा सा है, क्योंकि देखो हैकर्स वगैरह हैक कर लेते हैं कैमरा को, तो फिर अपनी जो डिटेल्स वगैरह अपने पर्सनल लाइफ है वो शेयर हो जाती है डार्क वेब के अंदर, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पे जो वेब सिक्योरिटी का फीचर दिया गया है, तो वहाँ पे आप उसको ऑफ कर लोगे
तो यहाँ से आपका जो फ्रंट का जो ये होता है कैमरा, वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स निकल के आया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है इसके अंदर, वो ये निकल के आती है कि इसके अंदर आपको विंडो 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इनबिल्ड। मतलब जिसका आपको विंडो देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको 11 विंडो देखने को मिलेगी इनबिल्ड। मतलब पहले से इसके अंदर 11 विंडो डली आएगी, जो ये इंडिया का सबसे पहला लैपटॉप बन जाएगा जिसके अंदर इनबिल्ड विंडो 11 आ रही है। तो यही सारे फीचर्स थे इसके बारे में। देखो मेन बात बताऊँ तो इसका मेरे को लुक्स इतना ज़्यादा खास नहीं लगा है, मतलब ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं लगा है मेरे को लुक्स। बाकी अदरवाइज़ और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी निकल के आई हैं। इसके अंदर आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 56,999 की प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, लगभग 57,000 रुपये का आपको ये देखने को मिल जाता है। इसका जो बेस वेरियंट है उसका बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्राइस जो 8 GB का वेरियंट देखने को मिलता है, 8 GB का आपको रैम देखने को मिलेगी और आपको 512 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। बाकी ये अक्टूबर 3 से आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, वहाँ से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे 3 अक्टूबर को इसकी जो सेल है वो लाइव हो जाएगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो यही सारी बातें थी इस लैपटॉप के बारे में, मैंने कम्प्लीटली बता दिया है। देखो अगर आप एक हाई एंड गेमिंग करना चाहते हो तो वहाँ पर मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा, लेकिन अगर आप वैसे आप मतलब थोड़ी मोड़ी एडिटिंग वगैरह और इस तरीके के काम अगर आप करना चाहते हो डे टू डे लाइफ के, तो यहाँ पे आपको जो कोर i5 11th generation देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो इसके अंदर। तो यही सारी चीज़ें थी इस नोकिया के जो नया लैपटॉप निकल के आया प्योरबुक S14 के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहाँ पे आपको इसके बारे में जो है कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको और भी चीज़ पूछनी है तो और भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं करा है तो चैनल को विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की आपको अपडेट सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।